अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आज आसमान कुजीन में बन रहा है बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस एंड बटर सॉल्टेड वेजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg बीफ के स्टेक कट कर लें। एक बाउल में 1/2 कप ऑयल डालें, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1.5 टेबलस्पून अनियन पेस्ट, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस डालकर मिक्स कर लें। जो मैरिनेशन तैयार की है उसमें डालकर अच्छी तरह बीफ को डिप कर दें। दो या 3 घंटों के लिए मैरिनेट करें। जब तक बीफ मैरिनेट हो रहा है, हम मशरूम सॉस बना लेते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून बटर मेल्ट करके एक छोटी प्याज चॉप करके डालें। अब मशरूम डाल के थोड़ा सौते करें। 1/4 कप पानी डालकर 2 या 3 मिनट के लिए पकाएं। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक डालें, 1/2 कप क्रीम डालें और 1 टेबलस्पून चीज डालकर पकाएं। मशरूम सॉस तो बिल्कुल तैयार है। अब बटर सॉल्टेड वेजिटेबल्स बना लेते हैं। वेजिस की कटिंग आप पहले से करके रख सकते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून बटर ऐड करें, सब वेजीज को कट करके डाल दें। पैन
हाफ टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करें, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और एक टेबल स्पून ऑरेंज जूस डालकर पकाएं। गार्लिक के दो क्लव ग्रेट करके ऐड कर दें। ऑरेंज जूस से टेस्ट और वेजीज का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। स्टेक के डिफरेंट कुकिंग लेवल होते हैं और मैं वेल कुक कर रही हूँ। आपको जिस तरह पसंद है आप उस तरह कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट कुकिंग लेवल की टाइमिंग दी हुई है, ज़रूर चेक करें। अगर आप मेरी तरह वेल कुक कर रहे हैं तो एक साइड 5 मिनट्स के लिए कुक करें। बीफ के जूसेस निकल आए हैं। एक बड़े अनियन की रिंग शेप में कटिंग करके स्टेक के साथ ही सौते करें। बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस एंड बटर सॉल्टेड वेजेस तैयार है। ये कॉम्बो बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। स्टेक अंदर से बहुत ही जूसी और टेंडर है, टेस्टी भी बहुत है। आपके मुंह में पानी आ गया होगा, ज़रूर ट्राई करें और मज़े से खाएं। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट जो आप इजीली घर में बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा मज़े का, जिससे टाइम की सेविंग भी होगी और साथ ही हाइजेनिक खाना अपने हाथों से अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे। होप कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। दुआओं में याद रखें। नई पाकिस्तानी स्टाइल रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।